हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे पास है यहाँ पर हैमर ब्रांड की तरफ से एयर फ्लो 2.0 ईयरबड्स और यहाँ पर करेंगे इसके हम अनबॉक्सिंग रिव्यू करेंगे इसका और जानेंगे कि यहाँ पर जो हैमर ब्रांड जो पिच करी थी शार्क टैंक के अंदर वो कितनी ज़्यादा यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के ऊपर रिलायबल है और कितने अच्छे इसके यहाँ पर प्रोडक्ट निकल के आते हैं। तो उनमें से एक यहाँ पर प्रोडक्ट है यहाँ पर ईयरबड्स आते हैं यहाँ पर एयर फ्लो 2.0 और यहाँ पर ये लेटेस्ट लॉन्च है कंपनी की तरफ से और इसके प्राइस यार काफ़ी ही कम है। बोट की कंपटीशन में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पीट करते हैं इस प्राइस सेगमेंट में और साथ में क्वालिटी में भी देखते हैं कि करते हैं या फिर नहीं करते हैं। सो यहाँ पर ये बॉक्स है, बॉक्स यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, जैसे यहाँ लिखा हुआ वन टच अहेड और साथ में आपको बैक में देखने को मिल जाएंगे कुछ फीचर्स, जैसे में आपको 10 AM के ड्राइवर देखने को मिल जाएंगे, ब्लूटूथ 5.0 मिल जाएगा, साथ में आपको 8 hours तक का इसका पूरा टोटल टाइम मिल जाएगा प्लेइंग का और इसमें आपको 3000 mAh की बैटरी मिल जाएगी और साथ में इसमें आपको 6 months की इसमें ब्रांड की तरफ से वारंटी देने को मिल जाती है। तो करते हैं इसको पहले अनबॉक्स और देखते हैं कि इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है वो कितना अच्छा है। सो ये है भाई इसका फर्स्ट इंप्रेशन। सो बॉक्स में सबसे पहले देखने को मिलता है आपको यहाँ पर हैमर की तरफ से एक चार्जिंग केस रखा हुआ है, उसके अंदर ही आपको ईयरबड्स देखने को मिलने वाले हैं और इसे बाहर निकालते हैं और देखते हैं कुछ एक्सेसरीज में है या फिर नहीं है। सो एक्सेसरीज के नाम पर आप मिलता है आपको, सो भाई एक्सेसरीज में आपको देखने को मिल जाती है एक चार्जिंग केबल जो कि यहाँ पर टाइप सी की है, जो काफ़ी अच्छी बात है, आप सारे चार्जर में कंफर्टेबल है ये। और यहाँ पर आपको कुछ ईयरबड्स देखने को मिल जाएंगे, आप साइज़ के अकॉर्डिंग से चेंज कर सकते हैं। और फिर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर हैमर की तरफ से जो आता है चार्जिंग केस, उसके अंदर आपके ईयरबड्स देखने को मिलने वाले हैं। भाई देख कितनी बढ़िया आपको क्वालिटी देखने को मिली है, काफ़ी शाइनी प्रोडक्ट है ये। साथ आपको ऊपर देखने को मिल जाती है एक हैमर की ब्रांडिंग, पीछे मिल जाता है आपको टाइप सी की चार्जिंग का पोर्ट और आपको यहाँ पर फ्रंट से आप ओपन कर सकते हैं इस कुछ इस तरीके से। सो कुछ इस तरीके आपको यहाँ पर चार्जिंग केस देखने को मिलेगा जो देखने में भाई काफ़ी क्यूट क्यूट सा लग रहा है और काफ़ी सही तरीके की क्वालिटी अभी तक लग रही है। अब हम करते हैं इसको ओपन, जैसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे ईयरबड्स लेफ्ट एंड राइट यहाँ पर शोकेस किया हुआ है। और जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हम निकालते हैं इसे केस से बाहर और केस में यहाँ पर दोबारा डालेंगे तो ये चार्जिंग को स्टार्ट कर देंगे। तो आपको आपकी इंडिकेशन मिल जाती है ब्लू कलर की आपकी चार्जिंग केस में कितनी यहाँ पर पावर रिमेनिंग है, साथ में आपको इसमें रेड कलर की चार्जिंग इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे दोनों ही ईयरबड्स के अंदर। सो कुछ तरीके यहाँ पर चार्जिंग होते हैं और इन्हें हम निकालते हैं बाहर और टेस्ट करते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। बैटरी लाइफ हम इसमें बता दिया है कंपनी ने कि यहाँ पर 8 hours तक चलते हैं पूरे चार्जिंग केस के साथ और इन्हें आप चार्ज भी कर सकते हैं इजीली, आपके 1.5 से 2 hours के अंदर ही पूरे चार्ज हो जाएंगे। तो बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी अभी तक मुझे अच्छी लग रही है, कोई भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लग रहा है इसकी बिल्ड क्वालिटी में। केस की बात करें तो केस की भी हिंज यहाँ पर ठीक ठीक है, मतलब अच्छे हैं, ये काफ़ी जल्दी बन जाता है और निकलता भी नहीं है देखो। सो क्वालिटी वाइज अच्छा लगा प्रोडक्ट और यहाँ पर इसके जो ईयरबड्स हैं इनकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी हुई है और यहाँ पर आपको चार्जिंग के इंडिकेटर मिल जाएंगे और साथ में आपको ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए भी यहाँ पर इंडिकेशन दिया हुआ है। और यहाँ पर कुछ आपकी हैमर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, साथ में आपके जो टच बटन्स हैं वो सब भी आपके यहाँ पर ईयरबड्स के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं। सो करते हैं इसको हम पेयर, ब्लूटूथ में जाते हैं और मिल जाएगा आपके यहाँ पर डिवाइस, ये रहे हमारे ईयरपोड्स और यहाँ पर हमारे कनेक्ट हो गए हैं एयर फ्लो 2.0 नाम से। इसे ओपन करते हैं तो इसमें आपको देखने मिल जाता है SBC का इसमें दिया गया है ऑडियो ड्राइवर, इससे आप यहाँ पर ऑडियो को शेयर कर सकते हो, म्यूज़िक को इन्जॉय कर सकते हैं। अब हमारे कनेक्टेड हैं और यहाँ पर जो लाइट है वो ब्लिंक होना भी यहाँ पर बंद हो चुकी है देखो, और यहाँ पर कनेक्ट है, यहाँ पर बैटरी इंडिकेशन यहाँ पर शो करता है आपके फ़ोन के अंदर। सो गाइज मैंने इसमें गाने ही प्ले कर दिए हैं, इसमें कुछ फीचर्स देखने को मिले हैं, जैसे कि इसमें आपको टच कंट्रोल देखने को मिल जाता है, मतलब आप 1 tap करेंगे तो आपको जो गाना है वो पॉज हो जाएगा और प्ले हो जाएगा। देखिए मैं इसे 1 tap करता हूँ दोबारा से और यहाँ पर गाना पॉज जाता है और दोबारा टैप करेंगे 1 tap तो हमें प्ले हो जाएगा और डबल टैप करेंगे तो आपका गाना जो है वो नेक्स्ट हो जाएगा। तो आप कुछ इस तरीके के इसमें आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं टच कंट्रोल में। आप इसमें वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, इसमें आप वॉइस असिस्टेंट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी आपको फीचर देखने को मिल जाएंगे हैमर के इसमें ईयरबड्स में। तो बात करते हैं इसकी हम साउंड क्वालिटी की, मुझे साउंड क्वालिटी कैसी देखने को मिली है इन ईयरबड्स की। सो गाइज अभी मैं इसमें आपको सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ इसमें कितनी ज़्यादा लाउड ऑडियो आपको देखने को मिलने वाली है, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा मिल जाएगा। इसकी वो यहाँ पर फुल है और आपको माइक में मैं अटैच करके दिखाऊंगा। सो मैंने माइक में यहाँ पर लगा दिया स्पीकर, तो आपके यहाँ पर कुछ आइडिया हो गया होगा कि इसकी जो लाउडनेस है वो कितनी देखने को मिल जाती है आपको। सो ये कुछ है यहाँ पर इसकी ऑडियो एक्सपीरियंस जो मैंने आपको यहाँ पर सुना दिया है ईयरफोन के थ्रू। अब रखते हैं इसको अंदर और यहाँ पर चार्जिंग के लिए स्टार्ट हो गया फिर से और बंद कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके आपके यहाँ पर ईयरबड्स देखने को मिलने वाले हैं हैमर की तरफ से।
और क्वालिटी भाई सही लगी मुझे इसकी, साथ में ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो वो भी आपको काफ़ी अच्छी सुनने को मिलने वाली है। तो बात करते हैं इसकी हम ऑडियो क्वालिटी की, तो भाई ऑडियो क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लगी। इसमें 10mm की आपको ड्राइवर देखने मिल जाएंगी, इसमें आपको अच्छी बेस देखने मिल जाएगी, आपको कोई भी आपके ऐसे रूबीकॉन ड्रिल हो गया या फिर आपका वो भी कोई बेस वाले गाने हो गए वो सभी आपको अच्छे सुनाई देंगे, आपको बेस यहाँ पर फील होगी। तो कह सकते हैं कि आपको एकदम बैलेंस तरीके आपको बेस देखने मिल जाएगी, साथ में आपको जिसकी जो क्लियरिटी है ना वोकल्स की और साथ में जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है वो सभी आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। तो ऑडियो की क्वालिटी के मामले में मुझे ये फ़ोन्स काफ़ी अच्छे लगे और इसे आप यहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ भी कर सकते हैं और आपके जो कान है वो ज़्यादा दर्द नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आपको रबर की इसमें टिप देखने मिल जाती है, ये प्लास्टिक वाले नहीं है, ये इन ईयर वाले हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराएंगे, साथ में आपको जो ऑडियो एक्सपीरियंस है उसमें भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो बात करें इसकी हम लाउड की, कितने ज़्यादा लाउड हैं ईयरबड्स, तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको इसमें लाउडनेस नहीं मिलती, आपको कभी भी इसमें कमी देने को नहीं मिलने वाली है इसकी लाउडनेस में। और यहाँ पर पैसिव नॉइज़ इसमें कैंसिलेशन आपको देखने मिल जाएगा, इसमें कोई भी आपको एक्टिव नॉइज़ देखने को नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है आपको इस प्राइसिंग में कोई भी आपको ANC प्रोवाइड नहीं कराता, तो आपको पैसिव नॉइज़ ही देखने मिलेगा जो कि यहाँ के इस रबर बड्स के थ्रू यहाँ पर नॉइज़ कैंसिलेशन करता है। और यही था मेरे यहाँ पर रिव्यू, मुझे सही लगे, आप इसे यहाँ पर जरूर परचेज कर सकते हैं। और जो हैमर जो ब्रांड है उन्होंने अपने यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उनकी जो क्वालिटी उनको मेंटेन भी किया हुआ है, साथ में जो ऑडियो क्वालिटी है उस यहाँ पर ध्यान दिया है। तो हम कह सकते हैं कि आपको 950 से 900 के प्राइस के बीच में आपको काफ़ी अच्छे और काफ़ी सही तरीके आपको ईयरबड देने को मिल जाते हैं। सो मेरी तरह से आप इसे बिल्कुल भी रिकमेंडेड कर सकते हैं और आप इसमें म्यूज़िक को एंजॉय कर सकते हैं। सो प्राइसिंग के भाई काफ़ी सही तरीके यहाँ पर लॉन्च किया है प्राइसिंग पे, तो प्राइसिंग जाती है आपको 900 से लेकर 950 आपको अमेजन पे देखने मिल जाएगी, लिंक मैं उसके आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। सो कुछ यहाँ पर ये था हैमर की तरफ से आने वाले ईयरबड्स एयरफ्लो 2.0, मेरी तरफ से यहाँ पर फुली रिकमेंडेड है, आप इसे जरूर परचेज यहाँ पर कर सकते हैं, उसे आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर जो वीडियो है वो काफ़ी पसंद आई होगी, अगर आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।